औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम टॉपिक कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का। आज हम पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन रूल कब लगता है। क्वेश्चन रूल तब लगता है क्वेश्चन रूल में आप मतलब ये चीज़ नोट करोगे कि दो टू फंक्शंस डिवाइड हो रहे होंगे, एक बड़े के नीचे उसके डिवाइड हो रहा होगा एक दूसरे फंक्शन के, तो देन आप वहाँ से वेरीफाई करोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। यू अंडरस्टैंड ना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और व्हाट्सअप ग्रुप पे और फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन रूल एक मैं लेट कर लेता हूँ अपने पास से कि एक मेरे पास फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। समझ लगी बात की। मैंने अपने पास से ये फंक्शन लेट कर लिया, अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो ज़रा, डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप क्या करो वाई की वैल्यू लगा दो, वाई की वैल्यू पुट कर दी। ये नहीं जी, अब इसके ऊपर आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। ओके, देखो ज़रा अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन रूल को। जो बटे में पड़ा हुआ है उसका आप क्या करोगे, स्केयर ले लोगे। क्या करोगे, स्केयर ले लोगे। फिर आप इसे आप ऊपर एज इट इज़ लिख दोगे। फिर आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव लोगे एफ ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से। दरमियान में आप माइनस लगाओगे, प्लस नहीं लगाओगे, ठीक है ना। ये याद रखना, वो प्रोडक्ट रूल में लगाया था। अब जिसके आपने डेरिवेटिव लिया है उसे आप एजिट छोड़ दो, और जिसे एजिट छोड़ा उसका डेरिवेटिव ले लो। मतलब कि ऊपर वाली को एजिट छोड़ दो, नीचे वाली का आप डेरिवेटिव ले लो, बाद में लेना है माइनस लगा के, ठीक है ना। ये जो रूल है ना आपके पास, ये रूल आपके पास क्वेश्चन रूल है। अब एग्जाम्पल करते हैं तो आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है आपके पास वाई इज इक्वल टू, वाई इक्वल टू क्यों कर रहे हो आप, चलो कर लो। ये करो पहले, इस तरह की एग्जांपल पेपर में आएगी। आपने क्या करना है, उसे पहले लेट करना है, उसे लेट करना है आपने वाई के इक्वल, ये याद रखना आपने, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स जी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, वाई की वैल्यू लगा दो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। वही चीज़ आप फॉलो करो, बटे का आपने क्या करना है, स्केयर लेना है। बटे का क्या करना है आपने, स्केयर लेना है, और फिर बाद में इसे आपने क्या करना है, एज इट छोड़ देना है। क्या कर देना है, एज इट छोड़ देना है। फिर आपने डेरिवेटिव किसका लेना है, आपने डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाले का। ऊपर वाले क्या है, ए प्लस एक्स है, दरमियान में माइनस लगा देना है। फिर आपने इसी को एज इट छोड़ देना है जिसका आपने डेरिवेटिव ले लिया है, और जिसे आपने पहले एजिट छोड़ा नीचे वाली को उसका आप अब डेरिवेटिव ले लोगे, ठीक है ना। समझ लग रही बात की। ये हो गया, अब देखो ज़रा, ये एजिट आ गया, ये कांस्टेंट है ए, तो ज़ीरो आ गया, और वन का क्या आ जाएगा, एक्स का क्या आ जाएगा, वन। अब देखो दुनिया का कोई भी कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव जो होता है ना सी फोर कांस्टेंट, वो ऑलवेज ज़ीरो होता है, और जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव ले रहे हो उसी का ही आ गया, वो हमेशा वन के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें छोटी छोटी याद रखनी है आपने। माइनस ए प्लस एक्स एज इट इज़ आगे, ज़ीरो माइनस वन आ गया, और बटे के नीचे आपने वैसे का वैसे ही फंक्शन का स्केयर लिखते जाना है। ऊपर आप देखो वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे आ जाएगा ए माइनस एक्स आ जाएगा वैसे ही। आगे देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, ये होगी प्लस, और आगे क्या आ गया आपके पास, ए प्लस एक्स एज इट इज़ आ गया। आगे बटे के नीचे क्या है, ए माइनस एक्स का स्केयर है, देख लें ज़रा, ठीक है ना। ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये एज इट इज़ आ गया, और ये भी एज इट इज़ आ गया। कट हो रहा है जी, कटिंग किसके साथ हो रही है, ये कट हो गया, एक और एक ए टू ए, और बटे के नीचे आ गया ए माइनस एक्स का स्केयर आ गया। ओके जी, एक और एग्जाम्पल मैं टेक करता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, इसका आप डेरिवेटिव लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा देखो ज़रा, डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का स्केयर,
कॉस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, साइन एक्स का, ऊपर वाली का, दरमियान में माइनस, साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आ गया, नीचे वाले का, कॉस एक्स। तो देखो ज़रा, कॉस एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, आगे माइनस साइन एक्स, और फिर देखें कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस है साइन एक्स, बटे के नीचे क्या आ गया, वैसे ही कॉस एक्स स्केयर। तो ये बन गया कॉस एक्स स्केयर, हाँ जी, कॉस इंटू कॉस, कॉस एक्स स्केयर, माइनस माइनस ये प्लस, और ये साइन एक्स स्केयर आ गया, और बटे के नीचे क्या आ गया, कॉस एक्स स्केयर आ गया। आगे देखते हैं ज़रा, ये यहाँ ऊपर कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी बन गई है, कौन सी आइडेंटिटी बन गई है, फंडामेंटल, ये हमेशा वन के इक्वल होती है ना, वन ओवर कॉस एक्स स्केयर, और इसका डेरिवेटिव वन ओवर कॉस किसके इक्वल होगा, वन ओवर कॉस जो है ना आपने पढ़ा होगा वो होगा सीकेंड एक्स के इक्वल मैट्रिक में, ठीक है ना। तो वो आपका क्या बन जाएगा, सीकेंड एक्स स्केयर, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ना करें तो आगे, लेकिन यहाँ पर कर लें पूरा तो अच्छी बात है। अब असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए, असाइनमेंट आपने करके आनी है, करनी है आपने, जो y इज इक्वल टू x ओवर x की पावर 3, बड़े के नीचे y इज इक्वल टू आपने लिखनी है x की पावर 4 ओवर cos x, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू sin x ओवर x, ये आपने तीन चार जो मैंने लिखी है ना, ये आपने ध्यान से करके आनी है। आई होप आपको लेक्चर की समय लगी होगी और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन रूल क्या चीज़ है। कोई बलाबलू नहीं है, बड़े इजी है, बड़े ज़्यादा बच्चे हैं जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आती। देखिए मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ रूल्स फॉलो किए हैं, रूल्स फॉलो करके मैंने अपने मतलब के टॉपिक को क्लियर कर लिया है, ठीक है ना। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है ना। आई होप आपको समय लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।